गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बच्चे चिंटू चला गया है स्कूल। यस, और अंशु ने नाश्ता कर लिया है और मैं अभी बना रही हूँ। और मैं भी अभी रोटी बनते ही नाश्ता कर लूँगी। और अभी शर्मा जी अभी पहुँचे नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी बना दिया। और बीच में मेरा सिलेंडर खाली हो गया था, तो उसी में ही लगाने लग गई, तो लेट हो गया थोड़ा। तो ठीक है, और सब काम कर लिया है और अभी जाके कपड़ा सुखा के आऊँगी, छत पे जाऊँगी, तब आप मिलते हैं छत पे। तो भाई मैं अभी छत पे आ गई हूँ, कपड़ा रखा हुआ इधर में, अभी कपड़ा निकाल दिया है। और कल का जो कपड़ा था वो अंशु को अभी उतार के दे दिया है। तो अंशु तू अभी चल ले कर कपड़ा, और मैं तब तक एक बाल्टी कपड़ा ही सुखा देती हूँ। तो अभी चला जा तू, मैं ये सुखा के अपने आ जाऊंगी। मैं सोफा पे रख देना। तो अंशु चला गया, आज अंशु का छुट्टी था, मैंने बताया था। तो अंशु आज घर पे ही है। और मैं अभी ये देखी, ये स्कूल ड्रेस है, और ये सुखा के तो मैं भी नीचे चली जाऊंगी। आज ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है, आज बहुत कम कपड़ा है, तो धोने में भी मज़ा आया और सुखाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सूख भी जाएगा। और नहीं तो इसी में बाप रे 3 बाल्टी तो होता ही होता कपड़ा। आज ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो क्योंकि दो तीन दिन से शर्मा जी भी नहीं है, 2 दिन से तो कपड़ा भी थोड़ा सा कम है, इसीलिए कपड़ा भी कम हो रहा है अभी। तो अभी ये सुखा देती हूँ, हो गया है सुखा दिया है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको कितना कुआ है। कैमरे में नहीं आ रहा है, बहुत कुआ है इधर उस साइड में भी बहुत है। ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, गुवाहाटी में बहुत कुआ बहुत है। ये देखिए, और एक साथ में ही अभी उधर जाएगा। ये देखिए सब उस छत पे, वो देखिए इतना साउंड रहता है छत पे जब भी कपड़ा सुखाने आती हूँ। ये देखिए सब जगह पे इतना ही साउंड है। ये देखिए चला गया उड़ के आ गया। तो भाई अभी हो गया है शाम, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ता में ये खिचिया है, चिप्स है, और ये वो क्या बोलते हैं इसको, कुकनी कुकनी बोलते थे पहले। तो ये शाम का टाइम हो गया है और बच्चों को लग गया भूख, तो ये बना रही हूँ नाश्ता में। वो दोनों गए हुए हैं बाहर कोई काम से। ये देखिए मैं अंदर चल गया, तो तैयार हो गया शाम का नाश्ता। उसके साथ में चाय लग रही है। हाँ चाय ठीक है। और उसके बाद क्या बनाएंगे मतलब सोचा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो आज स्पेशल एकदम सब चीज। तो ये जो खिचिया है इसमें नमक मिर्च मिलाने का कोई जरूरी नहीं है। और इसमें ये चिप्स में मैं दे रही हूँ देखिए मिर्ची झाल, तो चटपटा भी टेस्टी लगेगा इसमें। तो नहीं दे दिया मिर्च, सब में मिला दो तो। हाँ सब में मिला दो, सब में मिला देती हूँ, ऐसे करती हूँ है ना, चटपटा सा हो जाएगा। चटपटा सा जैसे हो जाएगा, सब में मिला दिया है। और ये बिना मिर्ची का अलग से खाऊंगा, और अभी इसमें नमक डाल देती हूँ। खाने में ही इतना मस्त बनेगा, बहुत क्या होता है ना शाम का टाइम में, तो ये चटपटा अच्छा भी लगता है। तो नीचे में हो ये पूजा है मंदिर में पूजा होती रहती है, यहाँ पे आवाज आती रहती है, इतना अच्छा लगता है। और खिचिया भी तैयार हो गया इसके साथ साथ में, मिर्ची थोड़ी और डाल दो ले भाई, और डाल दो ज्यादा ही मुंह चला दो भाई। ये तैयार। और बच्चे मैं ये सोची हूँ लोग अभी आने वाला ही होगा, और अभी तक नहीं आया। ये क्या होता है बनते ही गर्म गर्म खाने से ही टेस्टी लगता है, और अभी तक नहीं आया। सब में मिर्ची भी लग गया है, और सही हो गया। हाँ सही है ना। तो भाई अभी खाना स्टार्ट कर दिया है, हैं? खाना स्टार्ट कर दिया है, खा रहे हैं सब। मैं भी खा रही थी,
चिंटू गया हुआ, उससे कोई सामान मंगवाया था और अभी तक नहीं आया वो। तो उससे जो सामान मंगवाया था कुछ भी अलग सोचा था, अभी तक नहीं आया। इतना गुस्सा लगा मेरे को कि क्या बताऊँ। फिर मैंने लास्ट में आटा लगा दिया और ये इधर दोनों भाई अभी खाने बैठ गए, दोनों अभी खा रहे हैं। इसका बड़ा साउंड आता है, कचर कचर खा के दे। नरुण के लिए रख दिया है, उसका वो दोस्त भी आया, एक दोस्त आया हुआ है तो वो भी साथ में ही गया, क्योंकि स्कूल में कोई बच्चा का बर्थडे है शायद, तो वो लोग केक लाने गया है अभी। पर बहुत टाइम लगा दिया है, अभी तक नहीं पहुंचा है। और ये दोनों का अभी, मैं अभी रोटी बना रही हूँ, अभी इतना गुस्सा लगा मेरे को बहुत ज़्यादा, तभी मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा ना। फिर वो आएगा तब जो सोची हुई थी मैं, वो फिर वो आने के बाद बनाऊँगी, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैंने छोड़ा, मन नहीं करे। ये बनाया हुआ था, ये लोग खा रहे हैं और अभी रोटी बना देती हूँ। हैं क्या बात हो रहा है। तो भाई आकिब आ गया है और इसको नाश्ता करा दिया है, इतना सिंपल खाना खिलाया। अच्छा इधर सिंपल कैसे हुआ? बहुत सिंपल खाना खिलाया भाई तेरे को, राइट चला रही हूँ वही इधर में। तो इसको क्या हाँ सोचा कुछ था और हुआ कुछ। अभी स्टोरी सुनाती हूँ क्यों लेट हुआ बता। हम लोग पहले गए दोस्त के लिए केक लेने, आंटी ने बोला साथ में जलेबी और दूध लाने को। तो हम लोग को अरमान का कॉल आया, उसका बुलेट कहीं पे ठुक गया, उसका फ्रंट लाइट टूट गया। तो हम लोग गए खरा पड़ा, उधर जाके देखा हैंडल टेढ़ा हो गया, फ्रंट में एक वो गार्ड भी था वो भी टूट गया और वो हेडलाइट तो रहा ही नहीं कुछ। उसके बाद उधर से आने के बाद हम लोगों ने केक लिया, जयनगर चैलेंज में केक लेने के बाद टायर पंक्चर हो गया। उधर से धक्का देने के पहले हम लोग नेरिम तक ना, नेरिम से लेके वहाँ हाईवे, हाँ हाईवे तक गए। फिर वहाँ से हाईवे में पंप डाल के हम लोग वापस से यूटर्न मार के आए। हाईवे पे नहीं मारा, सुनते रहना स्टोरी ये लोग का। हाईवे पे वहाँ पंप नहीं डाला, अभी क्या क्या स्टोरी में मोड़ आएगा देखना। उधर से पंप डलवा के वापस से हम लोग आ रहे थे, वापस से पंप खत्म हो गया, वो उसका फिट लूज हो गया है तो वापस से पंप खत्म हो गया। बाद में फिर वापस से हम लोग भेटापाड़ा चैली का थोड़ा आगे में पेट्रोल पंप है, उधर पंप भराया। फिर उधर से हम लोग दूध लेने के लिए देखा तो दूध नहीं मिल रहा था, दूध भी गायब हो गया, दूध भी नहीं मिला ये लोग को, जलेबी भी नहीं मिला। केक कैसे मिला मेरे को ये बताइए, ये लोग को अपना चीज मिल गया, मतलब ये लोग को केक लेना था वो केक पहले जाते ही केक लिया है, वो मिल गया है। वो ऐसा नहीं हुआ कि केक नहीं मिला, केक लेके आ गए हैं। हाँ मैं बोली थी ये आया हुआ था ये मोटा, तो मैं बोला था मोटा मोटा और मेरा बेटा, कोई बात नहीं मोटा से मैं बोला था, कोई बात नहीं मोटा और बेटा है। तो भाई ये आया हुआ था तो मैं इसको बोली कि चल पहले तो वो चिप्स ये सब बनाया हुआ था, नाश्ता करवा दूंगी, मैं उसको खाना खिला के भेजूंगी। तो उस पहले खीर जलेबी बनाने वाली थी, नहीं ये दूध लेके आया, नहीं ये जलेबी लेके आया। 9 बज गया है, इसको फ़ोन करते करते इसका बाइक पंचर हो गया, एक जन का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको भी इसको जाना बहुत ज़रूरी था बेचारा को, क्या करें बाइक नहीं है, बाइक निकलवाया है उसको घर भेजा। उसके बाद फिर ये जा गया है तो इनको जलेबी खीर वो जलेबी और दूध कुछ भी नहीं मिला है। आ गया अपना इतना धक्का मार मार के, तो मारना ही पड़ेगा। तो फिर आने के बाद इसको क्या खिला, वो जो तला हुआ था चिप्स वगैरह वो खिला दिया, और भाई अचार और 2 पराठा बना दिया, ये 2 ही खाए। बोला कि हम नहीं खाएंगे और हमको पैदल जाना है, इतना दूर भी है। तो तभी अभी ये स्टोरी था, और मैं कब से बैठ के वेट कर रही हूँ कि वो लोग आए तो ये लड़का को अच्छा से बना के कुछ खिलाऊं। किस्मत खराब है, अपना पत्थर लेके ऐसे अपना उसमें मार रहे हो तुम लोग दोनों मिल के। हमें तो पता भी नहीं था ऐसा भी होता है, अभी तो तुम लोग को पता कहाँ चला। अभी तो अभी जितना आगे बढ़ेगा ना उतना ही पता चलते जाएगा जिंदगी का। बेटा अभी तो तुम लोग उगे हो अभी तो, अभी देखना जब पत्तियां निकलनी स्टार्ट होगी तो ठीक है, तब आएगा मोड सब जिंदगी का क्या क्या होता है। तो ये काम है ये लोग का, ये था स्टोरी भाई आज का श्याम। तो कोई गलती नहीं है भाई। हाँ टायर मुझसे पूछा था पहले कि भाई मैं पंचर हो लूं, मैं बोला हाँ बोल ले तो पंचर हो गया, ज्यादा नहीं हो रहा। तो कैसा टायर पंचर मेरे सब में, कितना धक्का मार के उठ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया।
दिमाग तो भी खराब करूंगी मैं अभी लड़का जाने के बाद इसका तो ठीक है। और ये चला भाई। हाँ भाई उधर तो मिलेगा लेकिन अभी जा रहा है। तो गाइस इधर चिप्स वगैरह पड़ी थी जो मम्मी बनाई थी तो वो है खा ले। 11 बज रहे और हम लोग ये कर रहे चिप्स खा रहे बैठ के आराम से सब लोग। ये भी खा लिया और हम लोग भी खा लिया सब। मम्मी करी किचन में काम, थोड़ा सा बहुत काम बचा है वो करके फिर सब सोएंगे। थक गए मैं और थक गया तो देर तक नहीं। कितना देर धक्का हमारा बाप रे बाइक को। हालत खराब हो गया गाइस। हाँ अब हमको सपना आएगा वो टायर फटा। मत बोल पापा कल ब्लॉग देखेंगे। कुछ नहीं गाइस मैं कुछ नहीं बोला। कोई नहीं देख लेंगे उपाय नहीं ना। हाँ मम्मी है किचन में दिखाते हैं आपको। ये रही मम्मी किचन में। एक देखो बोला काम कर रही है। पापा कॉल आएगा फिर बात करेगी। कट गया था जो आए वो ही मेरा था। ओ भाई 11 बज गया है। शर्मा जी नहीं रहते हैं तो भी फोन मत लेके जाना फिर कॉल करूंगी। शर्मा जी नहीं रहते तो भी हम लोग वो 11 बजा देते हैं। बताइए आज तो स्टोरी बताया था कि क्या क्या बच्चा लोग किया। उसके बाद खाना बनाया है तो खाया। फिर अभी बर्तन भी नहीं किया। ये देखिए इधर में बर्तन है। अभी ये सब करेंगे और सोएंगे। सोएंगे बर्तन धोएंगे बर्तन करेंगे दूध जमाएंगे और उसके बाद फिर सोएंगे कपड़ा भी चेंज करेंगे। तो सोओगे ना फिर? फिर दवाई लेंगे। मतलब शर्मा जी रखते तभी भी हम लोग को लेट होता है। रखते तभी भी बताइए ना। धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो फटाफट आधी घंटा के अंदर अंदर सब फटाफट काम सटा के तब 11:30 बजे तो लोगों को पढ़ना नहीं है। अभी एग्जाम सब खत्म है तो ठीक है। अभी 11:30 बजे में जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है अभी ब्लॉग एंड कर देती हूँ मैं। तो आप लोग डेली देखो लाइक करो कमेंट करो। नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम सीताराम।